पीछे आ जाऊँ, पीछे आ जाऊँ, पीछे आ जाऊँ। मोहन जी आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं भाई, पीछे आ जाऊँ, पीछे आ जाऊँ, पीछे आ जाऊँ। लद्दाख से जुड़ी कई कहानियां तो हमने सुनी है, पर उन परिवार से फिफ्थ जनरेशन के जनरल जोरावर सिंह, राजा गुलाब सिंह जी के परिवार से कुंवरानी रितु सिंह जी,
युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट श्री राजन सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनमोल भारद्वाज जी का। जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्य स्मृति पर योद्धा के रूप में देखता है, जो अनेक पीढ़ियों के लिए अपनी वीरता, मिलिट्री स्ट्रेटजी एवं थिंकिंग से प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रति जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को जनमानस। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पहली बार वहीं मैंने इनका नाम सुना था, और हिंदू विश्वविद्यालय से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ एक बड़ा पुराना म्यूजियम है, भारत कला भवन। जनरल जोरावर सिंह जी की पेंटिंग का एक स्क्रोल, जिसमें 11 पेंटिंग प्लेट्स हैं, वहाँ भारत कला भवन में रखा गया है। और वहाँ के संग्रहालय के लोगों का कहना है कि शायद यह एकमात्र सुरक्षित स्क्रोल है जो जनरल जोरावर सिंह जी के सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, वीरता, कर्मठता एवं कुशल सैन्य संगठन की शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाओं एवं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसकी कुछ झलकियां उस पेंटिंग में दिखती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन मुझे लगता है कि सशक्त भारत के सपनों का एक प्रतीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के सिंहनाद को रण क्षेत्र में मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अप्रतिम योगदान रहा। 1834 से लेकर 1841 के दौर में मुझे लगता है कि जितने भी महान व्यक्तित्वों ने हमारे देश को मजबूत करने में योगदान, वीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, और माँ भारती की श्रद्धा में अनंत संभावनाएं भी निहित हैं। आज आजादी का अमृत कालखंड पूरा देश मना रहा है। इस अमृत कालखंड में आजादी की लड़ाई, हमारी आजादी के मूल्यों तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों का पूरा राष्ट्र आज स्मरण कर रहा है। मैं समझता हूँ इस अमृत काल में जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के कार्यों और जीवन मूल्यों के बारे में नागरिकों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है, बताए जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को, समाज या राष्ट्र जो अपने बहादुर पूर्वजों को भूल जाता है, मैं समझता हूँ वो रास्ते से भटक जाता है। आजादी मिलने में क्या कुछ होता रहा है मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम सब संकल्प ले सकते हैं कि जैसा जम्मू कश्मीर जनरल जोरावर सिंह बनाना चाहते थे, जिस जम्मू का करते हुए तो उनकी वीरता, उनके समर्पण का भाव जम्मू कश्मीर के नागरिकों में भी पुनर्निर्मित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बना रहे हो जिसको जो आप पे अत्याचार करने आया था, कहने को या आपको जीतने आया था, और आपने उसको हरा दिया। हराने के बाद भी आप तिब्बतन हैं, वो दिन दिन जल जोरावर की ऐसा किया क्या? आज का निर्माता कौन था? वो निर्माता था जनरल जोरावर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह की डिप्लोमेटिक सोच, उनकी रीच डिप्लोमेसी, और जनरल जोरावर सिंह का शौर्य, मींस डोगरों का शौर्य। 20,000 डोगरे उत्थे गए, कोई वापस नहीं आया, हड्डियाँ भी वापस नहीं आईया, खरे कुत्ते ने जेवी उत्थे बर्फाई दबोई नहीं होनी है, वापस नहीं आए बंदे, ठीक है। उसके बाद उसी एंड च हिंदुस्तान की कौन दिता? महाराजा हरि सिंह ने दिता 26 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर की ब्रिगेडियर रजिंदर ने अपनी जान दई है। ब्रिगेडियर रजिंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कदर नहीं लड़ता, अगे जाइए वो पिछू मोनीटर करता है। ये अगे कहते हैं ओफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी, पांच दिन इन्हें पाकिस्तानी रोकी रखा, 10,000 बंदे ही, 150 बंदे, 150 डोगरे, 5 दिन 10,000 पाकिस्तानी रोकिया, ताकि हिंदुस्तान की फौज जी है
वो श्रीनगर लैंड करी सकै ते वो बाकी जेहड़े इत्थों खदेड़ी बाहर कढ़े तो ये जो मुकुट है ये बनाया था जनरल जोरावर सिंह का ते हिंदुस्तान की प्रेजेंट किया था हिंदुस्तान हिंदुस्तान से बचाया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का तो ये चीज़ा तुसें चेता रखने भगत सिंह थोड़े वेद मंदिर रोंदे होंदे हे ते थोड़े तांतिया टोपे उधमपुर से छपे दे हे तो ये तुसें पता ही नहीं है कि थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है कि कुछ दसन नहीं दिती ते जल साहब मेरे बाद देखा बोलने वाले मेरे ख्याल उन्हें यही आखना कि पहले हमको कोई बोलने नहीं दिया जब हमने बोलने लगे तो हमें कोई सुना नहीं अब लोग हम बोलते भी हैं सुनते भी हैं और लोग जगे हैं लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं तो डोगरे एक अपने आप की जगाना कि अपना जो पुराना जो वैलर है इतिहास है उसी वापस ले आना तो ये मैं थैंक यू वेरी मच आखना था भी बुलाया माई थैंक्स टू जल जोरावर सिंह ट्रस्ट फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि वो आए उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया मैं उनको ये कहने वाला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वक्त महाराज गुलाब सिंह की कुर्सी पर बैठे हैं महाराज हरि सिंह की कुर्सी पर बैठे हैं अगर ये अगर कुछ नहीं कर पाए उनकी याद के लिए तो कौन करेगा कब करेगा हमने 75 वर्ष खो दिए जिसकी वजह से किसी को दुनिया में पता नहीं है बहुत कम पता है जनरल जोरावर सिंह कौन थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन थे आज भी आप कहीं दिल्ली में पूछना जाके जनरल जोरावर सिंह कौन थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन है कुछ पता नहीं उनको तो छोड़ो अपने लोगों को आप पूछो नहीं पता है ये जो हमारे उन्होंने हमने बुत लगाए हुए उनके जगह जगह पर फिर भी लोगों को पता नहीं आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई लोग इसको घोड़ा चौक बोलते थे और बड़ी मुश्किल से हमने ये शुरू कराया कि घोड़ा चौक नहीं जनरल जोरावर चौक है ये जिम्मेवारी को दी इतना फंक्शन किया है बच्चे बुलुरिया सिस्टर विकार बहुत मैंने मुबारकबाद देना कई आइए आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जोरदार ताली होनी चाहिए जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे आप